हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है परीक्षा मंथन का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है अखंड प्रताप सिंह, मैं आपका इंग्लिश का टीचर हूँ। हम लोग पढ़ रहे हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव खत्म हो चुका है, हम लोग उसका प्रैक्टिस देख रहे हैं, उसका प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग 5 या 6 क्वेश्चन पिछले लेक्चर में कर चुके हैं, 5 या 6 क्वेश्चन ऐसे, ठीक है। तो अब जो होगा वो हम लोग प्रैक्टिस को कंटिन्यू करेंगे, आगे चलेंगे, ठीक है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कोई भी फालतू की बात किए जो कि आप लोगों को लगता है कि सर बार बार कहते हैं वीडियो को लाइक करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, शेयर करने के लिए। तो ये सब फालतू की बातें वैसे हो तो गई, लेकिन नहीं करते हुए डायरेक्ट आते क्वेश्चन पे, लेकिन कर दीजिएगा, ठीक है, उसको कर जरूर दीजिएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, कल मैं एक क्वेश्चन नोट करके लाया था लेकिन उसको मैंने लिखवा नहीं पाया क्योंकि टाइम नहीं था, ठीक है। इस क्वेश्चन को सबसे पहले आज वही क्वेश्चन देखते हैं, द मैन स्टैंडिंग। ये आपके पेपर का आया, ये क्वेश्चन है, द मैन स्टैंडिंग नेक्स्ट टू द पिलर इज माई ओल्डर ब्रदर, ठीक है। ये सेंटेंस है, ये एक सेंटेंस है, और इस सेंटेंस में पूछा था कि बताइए आप कौन सा पार्ट गलत है। पार्ट ए था ये, पार्ट बी था ये, पार्ट सी था ये, और पार्ट डी था ये। और पूछा ये था कि आप बताइए कि इसमें से कौन सा पार्ट गलत है और क्यों गलत है। पूछा तो ये था कि किस पार्ट में गलती है, लेकिन मैं ये पूछता हूँ कि क्यों गलती है, ठीक है। तो इसको जानने से पहले हम लोग पहले ये समझेंगे एक रूल, जो कि जिस रूल पे ये क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है, जो कि इस क्वेश्चन जिस पे ये क्वेश्चन बना हुआ है वो रूल पहले समझते हैं, ठीक है। तो देखिए, एक वर्ड होता है ओल्ड। ओल्ड भी एक एडजेक्टिव होता है, ठीक है। ओल्ड भी एक एडजेक्टिव फॉर्म होता है, ठीक है। ओल्ड का कॉम्परेटिव फॉर्म, ठीक है, और एक होता है सुपरलेटिव फॉर्म, ठीक है। सुपरलेटिव फॉर्म दो तरीके से बनते हैं, ओल्ड का सुपरलेटिव फॉर्म और कॉम्परेटिव फॉर्म दो तरीके से बनता है। कैसे दो तरीके से बनता है उसको हम दिखाते हैं, ठीक है। दो तरीके से बनता है, अब वो बनता है, एक होता है ओल्ड का ओल्डर और एक होता है ओल्डेस्ट, ठीक है। दूसरा होता है एल्डर और एल्डेस्ट। ये दो पार्ट होते हैं, दो। ओल्ड का एक एडजेक्टिव है, ये एक एडजेक्टिव है, ओल्ड मैन होता है, ठीक है। ओल्ड मैन आदमी, कैसा आदमी, बूढ़ा आदमी, ठीक है। तो ओल्ड मैन होता है, ओल्ड एक एडजेक्टिव की तरह काम करता है। तो इस एडजेक्टिव का दो फॉर्म बन सकता है, कॉम्परेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। ये पॉजिटिव डिग्री होता है, तो इसका कॉम्परेटिव सुपरलेटिव डिग्री ER और EST जोड़ के बनाते हैं। लेकिन दो तरीके से कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव डिग्री ओल्ड का बनता है, एक ओल्ड का ओल्डर होता है, ओल्डेस्ट होता है, और एक ओल्ड का कॉम्परेटिव डिग्री एल्डर और एल्डेस्ट करके बनता है, ठीक है। कैसे बनता है, ओल्ड ओल्डर ओल्डेस्ट या फिर एल्डर एल्डेस्ट, इस तरीके से ये फॉर्म बनता है ओल्ड का, ठीक है। दूसरी चीज याद रखिएगा, इस जो मैंने लिखा ओल्ड ओल्डेस्ट एल्डर एल्डेस्ट, इनका अलग अलग कुछ काम होता है। ऐसे तो नहीं ना बना दिया गया होगा कि मतलब कर दिया गया है कि कुछ भी कोई दिक्कत नहीं है, जो मन करे वो उठा के यूज कर लीजिए, नहीं, इनका कुछ यूज होता है। एल्डर दरअसल में ये फॉर्म जो होता है, ये जो एल्डर वर्ड होता है, ये एल्डर और ये ओल्डर, इनमें बस अंतर इतना होता है, जब आप ब्लड रिलेशन दिखाते हैं और उसमें बड़ा का सेंस देना होता है। जब आप ब्लड रिलेशन दिखाते हैं और वहाँ पे दिखाना होता है बड़ा या पुराना, तो वहाँ पे हम लोग किसका फॉर्म यूज करते हैं, एल्डर का फॉर्म। कब, जब ब्लड रिलेशन दिखाना हो, और एल्डेस्ट यूज करते हैं। और अगर जो हमें ब्लड रिलेशन नहीं दिखाना होता है, सिंपली बस बड़ा छोटा दिखाना होता है उम्र में, तो हम लोग वहाँ पे ओल्डर और ओल्डेस्ट का यूज करते हैं, ठीक है। ओल्डर और ओल्डेस्ट का यूज करते हैं, ये दो फॉर्म होता है, ठीक है, समझिएगा ध्यान से। एल्डर और एल्डेस्ट का यूज कब करते हैं, जब हम लोग ब्लड रिलेशन दिखाते हैं किन्हीं दो लोगों के बीच में, और वहाँ पे बड़े उम्र में बड़ा या छोटा दिखाना होता है, बड़ा दिखाना होता है, तो हम लोग एल्डर और एल्डेस्ट का यूज करते हैं। जब हमें नॉर्मली ऐसे ही दिखाना होता है कि कौन सा बड़ा और कौन सा छोटा है, तब हम लोग ओल्डर और ओल्डेस्ट का यूज करते हैं, ठीक है। सेंटेंस समझेंगे इसको, आपने ये नोट कर रखा है ना,
ये नोट कर रखा है, इसको मैं थोड़ी देर के लिए मिटा रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं थोड़ी देर के लिए मिटा रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ, पहले वो चीज़ें समझ लीजिए, ठीक है, उसके बाद तो आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। देखिए, मैंने बोला कि एल्डर और एल्डेस्ट इनको दिखाते हैं किसमें, ब्लड रिलेशनशिप में। जब हमें ब्लड रिलेशन दिखाना होता है, जब हमें ब्लड रिलेशन दिखाना होता है, तब हम लोग एल्डर एल्डेस्ट का यूज करते हैं। और जब उम्र में वैसे ही बड़ा छोटा दिखाना होता है बिना किसी उसके, तो ब्लड रिलेशन के, तो हम लोग ओल्डर और ओल्डेस्ट का यूज करते हैं, ठीक है। देखिए, इसके एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने बोला कि सिंपल सा, मैंने एक बिल्डिंग के बारे में बात की, दिस बिल्डिंग इज एल्डर या ओल्डर, दिस बिल्डिंग इज एल्डर और ओल्डर देन द ताजमहल, ठीक है। ये मैंने एक सेंटेंस लिखा है, इस सेंटेंस को ध्यान से समझिएगा। मैं ये बोलना चाहता हूँ इस सेंटेंस में कि ये जो बिल्डिंग है, कोई बिल्डिंग है जो कि ताजमहल से पुरानी है, तो मैं ये दिखाना चाहता हूँ। देखो, ओल्ड का मतलब बूढ़ा होता है, पुराना सब होता है, ठीक है। ओल्ड का मतलब पुराना भी होता है, बूढ़ा भी होता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे दिखाना चाहते थे कि ये जो बिल्डिंग है वो ताजमहल से क्या है, पुरानी बिल्डिंग है, ठीक है। दिस बिल्डिंग इज एल्डर या ओल्डर देन ताजमहल, मतलब कि ये जो बिल्डिंग है वो ताजमहल से पुरानी है। अब मुझे ये बताइए कि क्या इन दोनों बिल्डिंग के बीच में मैंने कहीं रिलेशनशिप दिखाया, ब्लड रिलेशनशिप? इस ताजमहल और बिल्डिंग के बीच में कहीं मैंने ब्लड रिलेशनशिप दिखाया? नहीं, दिखाया नहीं जा सकता। नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में रिलेशन कैसा, वो भी ब्लड रिलेशन, पॉसिबल ही नहीं है। तो इन दोनों के बीच में हम लोग ब्लड रिलेशन नहीं दिखा सकते, तो हम लोग एल्डर और एल्डेस्ट का यूज ही नहीं कर सकते। तो यहाँ पर ये एल्डर गलत होगा, ओल्डर सही होगा, सही है, समझ रहा है? मतलब कि यहाँ पे ये दिखाना चाह रहा हूँ कि बिल्डिंग पुरानी है, ठीक है, पुरानी है। मैं इन दोनों के बीच में कोई ब्लड रिलेशन इस सेंटेंस में दिख नहीं रहा, वैसे भी दिखेगा भी नहीं, ठीक है। तो हम लोग एल्डर नहीं लगाएंगे, ओल्डर लगाएंगे, ठीक है। मान लीजिए कोई और, एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैं लिखूं राम इज इज माय ब्रदर and he is elder or older than I, ठीक है। ये मैंने लिखा, राम इज माई ब्रदर एंड ही इज एल्डर और ओल्डर देन आई। अब कुछ बच्चे ये सोच सकते हैं कि सर यहाँ पे ही और आई को, दोनों को सब्जेक्टिव केस में क्यों लिखा है? तो मैं ये समझा चुका हूँ, ठीक है, कि ही और आई को क्यों सब्जेक्टिव केस में रखते हैं, ठीक है। इसका मैं बता चुका हूँ कि जब हम दो प्रोनाउन के बीच में तुलना करते हैं, बस जब दो प्रोनाउन हो, तो वहाँ पे हम लोग उसको सब्जेक्टिव केस में ही रखते हैं, ठीक है। बोलचाल की भाषा में उसको मी रखा जाता है, लेकिन वैसे वो सब्जेक्टिव केस में होता है, ठीक है। ये मैं समझा चुका हूँ और आपको नोट करके लिख भी लेना चाहिए था, ठीक है। तो ये मैंने सेंटेंस लिखा है, क्या लिखा है कि राम इज माय ब्रदर, राम मेरा भाई है, एंड ही इज एल्डर देन मी, और वह मुझसे एल्डर और ओल्डर देन मी, वह मुझसे बड़ा है। अब यहाँ पे एक बात बताइए, मैंने यहाँ पे सेंटेंस में क्या, मैंने जो फर्स्ट क्लॉज है, फर्स्ट क्लॉज का क्या मतलब है कि ये जो फर्स्ट क्लॉज है, फर्स्ट क्लॉज का मतलब ये जो क्लॉज है, राम इज माय ब्रदर, राम मेरा भाई है, ये फर्स्ट क्लॉज है। सेकंड क्लॉज क्या है, ही इज एल्डर देन आई, ये सेकंड क्लॉज है, ठीक है। ही इज एल्डर देन आई, ये क्या है, सेकंड क्लॉज है। और इन दोनों क्लॉज को जोड़ने का काम किसने किया है, इस एंड ने। तो ये एंड क्या भी हो गया, कंजंक्शन। तो ये भी समझ लिए, कंजंक्शन भी समझ लिए, ठीक है। ये क्या हो गया, कंजंक्शन। राम इज माई ब्रदर फर्स्ट क्लॉज, ही इज एल्डर ओल्डर देन आई सेकंड क्लॉज, और इन दोनों क्लॉज को जोड़ने का काम किया एंड ने, तो वो क्या हुआ, कंजंक्शन, ठीक है।
अब देखिए, मैंने जो फर्स्ट क्लॉज है, मैंने जो फर्स्ट क्लॉज है, एल्डर और ओल्डर के बारे में बात किया जा रहा है कि इन दोनों में से कौन सा सही है, ठीक है। तो देखिए, जो मैं फर्स्ट क्लॉज जो मैंने यूज किया है, राम इज माई ब्रदर, इसमें मैंने एक रिलेशनशिप अपना दिखा दिया है कि राम मेरा भाई है, मतलब कि राम और मेरे बीच में, राम और मेरे बीच में, राम और मेरे बीच में एक ब्लड रिलेशनशिप है। क्या है? एक ब्लड रिलेशनशिप है, ठीक है। राम और मेरे बीच में एक ब्लड रिलेशनशिप है, ठीक है। अब मैं ये ब्लड रिलेशनशिप दिखा दिया कि राम मेरा भाई है, राम मेरा भाई है। अब एक ब्लड रिलेशनशिप जब दिखा दिया गया है, तो यहाँ पे ही इज एल्डर होगा या ओल्डर होगा, कि वह मुझसे बड़ा है, वह मुझसे बड़ा है। तो बड़े को यहाँ दिखाने के लिए क्या एल्डर लगाएंगे कि ओल्डर लगाएंगे? तो मैंने बताया है कि जब हमें ब्लड रिलेशनशिप में तुलना करना होता है बड़े और छोटे का, तो हम लोग एल्डर लगाते हैं। तो एल्डर सही होगा, ओल्डर क्या होगा? गलत होगा। समझ आया? ओल्डर क्या होगा? गलत होगा, ठीक है। तो अब इसी पे बना हुआ है, इसको नोट करके लिख लीजिए कि जब, नोट कर लीजिए, जब कभी सेंटेंस में, जब कभी सेंटेंस में, जब कभी सेंटेंस में, जब कभी सेंटेंस में ब्लड रिलेशन में, ब्लड रिलेशन में, ब्लड रिलेशन में बस भाई नहीं आता, पापा मम्मी चाचा चाची ये सब आते हैं, ब्लड रिलेशन में बड़े का भाव देना होता है, बड़े का भाव देकर तुलना करना होता है, बड़े का भाव देकर तुलना करना होता है, तो ओल्ड का कॉम्परेटिव फॉर्म एल्डर, तो ओल्ड का कॉम्परेटिव फॉर्म एल्डर तथा सुपरलेटिव फॉर्म एल्डेस्ट का यूज करते हैं, तथा सुपरलेटिव फॉर्म एल्डेस्ट का यूज करते हैं, अन्यथा, अन्यथा ओल्ड के, ओल्ड के कॉम्परेटिव फॉर्म ओल्डर, ओल्ड के कॉम्परेटिव फॉर्म ओल्डर तथा ओल्डेस्ट का यूज करते हैं। मतलब कहने का, अन्यथा का मतलब क्या कि अगर जो ये कंडीशन नहीं है ब्लड रिलेशन वाला, तो ओल्ड का ओल्डर और ओल्डेस्ट में जाएंगे। एक सेंटेंस और देखते हैं, एक एग्जांपल और देखते हैं एल्डेस्ट का। जैसे मैंने बोला कि माय फादर, माय फादर इज एल्डेस्ट या ओल्डेस्ट, एल्डेस्ट और ओल्डेस्ट पर्सन इन माई फैमिली, ऑफ माई फैमिली। ये सेंटेंस लिखा है, ठीक है। माई फादर इज एल्डेस्ट ओल्डेस्ट पर्सन ऑफ माई फैमिली, मतलब मेरे पिता जो हम लोग का परिवार है उसमें सबसे बड़े हैं। तो यहाँ पे फिर देखिए, मेरे पिता मतलब कि एक ब्लड रिलेशनशिप दिखेगा जिससे तुलना की जा रही है, फैमिली में ही तो तुलना की जा रही है, और फैमिली में क्या है? एक ब्लड रिलेशन है। तो यहाँ पे ओल्डेस्ट गलत हो जाएगा, एल्डेस्ट सही होगा। तो माय फादर इज एल्डेस्ट पर्सन ऑफ माय फैमिली होगा, ठीक है। समझ आया ना? तो यही चीज उस जो सेंटेंस, देखिए मैं इसीलिए कहता हूँ प्रैक्टिस सेशन जब मैं कराऊँ तो उसमें खास ध्यान दिया कीजिए, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस सेशन में ही आपको असली पता चलेगा कि सर ने कुछ छोड़ा है या नहीं छोड़ा है, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन था हम लोग का, अब उस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे बहुत आसानी से। वो क्वेश्चन ये था कि द मैन स्टैंडिंग नेक्स्ट टू द पिलर इज माय ओल्डर ब्रदर। एक बात और याद रखिएगा, एक सेंटेंस, एक वर्ड जो है, एक ये जो वर्ड है एल्डर, ये जो वर्ड है एल्डर, मैं बताया हूँ कि जब भी हम कभी किसी कॉम्परेटिव फॉर्म का यूज करते हैं कुछ शब्द छोड़ के, जैसे कि क्या था, सीनियर, जूनियर, इंटीरियर, पोस्टेरियर, ये सब वर्ड छोड़ के, ठीक है, जब हम लोग कॉम्परेटिव फॉर्म यूज करते हैं तो आगे देन का यूज करना जरूरी होता है। पर एल्डर दरअसल में है, ये अब पॉजिटिव डिग्री की तरह भी यूज होने लगा है, पॉजिटिव डिग्री की तरह भी यूज होने लगा है, ठीक है,
पॉजिटिव डिग्री की तरफ यूज होने लगा। पॉजिटिव डिग्री का मतलब कि हम लोग जब सीधे सीधे कहते हैं कि ही इज माई एल्डर ब्रदर, वह मेरा मतलब वह मेरा बड़ा भाई है, तो हम लोग क्या कहते हैं ही इज माई एल्डर ब्रदर, तो वहाँ पे फिर तुलना नहीं की जाती है किसी से, वो सेंटेंस में ही विदित होता है कि मैं खुद से तुलना कर लिया हूँ कि ही इज माई एल्डर ब्रदर, ठीक है, वहाँ पे सेंटेंस में ही होता है कि मैं वह मेरा बड़ा भाई है। वहाँ पे हम लोग ओल्डर ब्रदर नहीं लगा सकते, क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि वहाँ पे हम ब्लड रिलेशनशिप दिखा देते हैं अपने भाई से, तो इसलिए ओल्डर नहीं यूज होगा, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे देखिए, द मैन वो आदमी स्टैंडिंग नेक्स्ट टू द पिलर, वो आदमी जो पिलर के ठीक बगल में खड़ा है इज माई ओल्डर ब्रदर होगा कि एल्डर ब्रदर होगा। अब यहाँ पे मेरा भाई है तो एक ब्लड रिलेशनशिप है, तो ओल्डर गलत होगा, क्या इसकी जगह सही होगा एल्डर, क्या सही होगा एल्डर, ठीक है। तो यही इसमें गलती थी, अब इसको समझाने के लिए मैंने पूरा समझा दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, दे आर इस क्वेश्चन को भी समझिएगा, देयर आर नॉट पीपल हियर, ठीक है। आपको ब्लैंक भरना है, क्या भरना है, ब्लैंक भरना है। ऑप्शन है, ए है मच, बी है मेनी, यहां पे भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगी, ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। सी है अलॉट, डी है सम। अब ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड है ये भी समझ लीजिए, ये क्वेश्चन दरअसल में रिलेटेड है, इसका आंसर पहले तो दे दीजिए आप, पहले आप इस क्वेश्चन का आंसर हमें दीजिए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ठीक है। आप मुझको इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए और थोड़ा सा आप कोशिश करेंगे तो आप कर ले जाएंगे, ठीक है। मान लीजिए, एक मिनट के लिए मान लीजिए यहाँ पे सम नहीं है, तब क्वेश्चन का आंसर दीजिए, यहाँ पे मान लीजिए लिटल है, ठीक है, अब इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, लेकिन मैं जब समझाऊंगा तो सम लेके चलाऊंगा, समझाऊंगा, अभी फिलहाल आप इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आधे से ज्यादा बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर सही दिया होगा, ठीक है, और कुछ लोग कंफ्यूज हुए होंगे अलॉट को लेके, तो इस चीज को भी हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो पहले एक ऑप्शन और बना लेते हैं हम लोग, ई, और वो था सम। एक बात बताइए, हमें दिखाना क्या है, आपको साफ साफ दिख रहा होगा इस सेंटेंस में, देयर आर नॉट पीपल हियर, यहाँ पे वहाँ मतलब ज़्यादा बच्चे यहाँ पे नहीं है, ठीक है, ज़्यादा बच्चे यहाँ पे नहीं है, मैं ये कहना चाहता हूँ ज़्यादा लोग यहाँ पे नहीं है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप ही के पेपर का आया हुआ क्वेश्चन नहीं, ठीक है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ज़्यादा लोग यहाँ पे नहीं है। अब ज़्यादा लोग यहाँ पे नहीं है मतलब कि ये जो पीपल है इसके आगे हमें एक एडजेक्टिव यूज करना है, कैसा एडजेक्टिव यूज करना है वो होगा कैसा, पहले तो आप ये बताइए मुझे कि पीपल है कैसा नाउन, अनकाउंटेबल नाउन है कि काउंटेबल नाउन है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग बच्चे बताएंगे कि ये काउंटेबल नाउन है, आदमियों को गिना जा सकता है, तो ये कैसा नाउन है, काउंटेबल नाउन है। अब चूंकि ये काउंटेबल नाउन है तो काउंटेबल नाउन के आगे कौन सा एडजेक्टिव यूज करते हैं, न्यूमरल एडजेक्टिव यूज करते हैं, संख्या अगर जो किसी काउंटेबल नाउन की आगे हमें बतानी होती है तो कौन सा एडजेक्टिव यूज करते हैं, न्यूमरल एडजेक्टिव यूज करते हैं। क्योंकि न्यूमरल एडजेक्टिव यूज करते हैं तो मच तो यहां गलत हो गया, इसलिए क्योंकि मच क्या है, अनकाउंटेबल नाउन के आगे ही यूज होता है और ये क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव के रूप में बस काम करता है। इसी तरह लिटिल भी गलत हो गया क्योंकि लिटिल भी बस क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव की तरह काम करता है और ये अनकाउंटेबल नाउन के आगे यूज होता है, तो ये दोनों तो गलत हुए। दूसरा सी भी गलत हो गया, देखिए अलॉट ऑफ वर्ड होता है, अलॉट ऑफ ये न्यूमरल एडजेक्टिव होता है, लॉट्स ऑफ भी न्यूमरल एडजेक्टिव होता है, लॉट्स ऑफ, ठीक है, अलॉट ऑफ भी न्यूमरल एडजेक्टिव होता है, लॉट्स ऑफ भी न्यूमरल एडजेक्टिव होता है, पर अलॉट कोई एडजेक्टिव नहीं होता है।
अगर उसके आगे आफ लगा होता तो हम लोग सही मान सकते थे, लेकिन अलॉट कोई एडजेक्टिव नहीं होता, आफ नहीं है, इसलिए ये भी गलत हो गया। अब बचे मेनी और सम। मेनी और सम, तो सम का एक स्पेशल केस होता है, उसको पहले समझेंगे हम बाद में, अभी के लिए बस इतना जानिए कि सम भी गलत होगा। क्यों? सम का अभी मैं बता रहा हूं, ठीक है। मेनी यहां पे सही होगा, क्यों? क्योंकि मेनी एक कैसा एडजेक्टिव है? इनडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव है, अनिश्चित न्यूमरल एडजेक्टिव है, ठीक है, और ये काउंटेबल नाउन के आगे यूज होता है, तो यहां पे क्या है, वर्ड क्या एडजेक्टिव यूज होगा? मेनी, ठीक है। अब सम, अब मैं आप ये क्वेश्चन पूछेंगे सर आपने सम क्यों काट दिया, तो एक रूल होता है सम से रिलेटेड, एक रूल होता है, मुझे नहीं लगा था ये, मुझे नहीं लग रहा था कि आप पे क्वेश्चन आएगा, लेकिन आ गया ये क्वेश्चन, तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को स्पेशली लिखा, ठीक है। ये क्वेश्चन आ गया है तो इस क्वेश्चन को पहले समझिए, सम दरअसल में करता क्या है पहले वो समझ लेते हैं, ठीक है। सम का एक रूल होता है, हाँ देखिए सम का रूल देख लीजिए। देखिए एक वर्ड होता है सम और एक वर्ड होता है एनी, इन दोनों का देखिए यूज क्या होता है। सम हमेशा अफर्मेटिव सेंटेंस के साथ ही यूज होता है, अफर्मेटिव, ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस के साथ, अफर्मेटिव सेंटेंस के साथ। अब ये क्या होता है अभी समझा रहा हूं, और एनी जो है ये निगेटिव सेंटेंस के साथ यूज होता है, ये जो है निगेटिव सेंटेंस के साथ यूज होता है। तो सम किसके साथ यूज होता है? अफर्मेटिव सेंटेंस के साथ, और निगेटिव सेंटेंस के साथ एनी यूज करते हैं। अब ये क्या होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है जिसमें कि पॉजिटिव सेंस है। अभी मैं समझा रहा हूं सारी चीजें, रट्टा मत मारिएगा, रट्टा मत मारिएगा कि नॉट नहीं आया तो अफर्मेटिव सेंटेंस होगा। आप जब थोड़ा सा ऊपर जाएंगे ना बच्चा लोग, तो वहाँ पे कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जैसे हार्डली हो गया, स्कार्सली हो गया, सेल्डम हो गया, ये सब वर्ड जो होते हैं ये नॉट तो नहीं है ना, लेकिन निगेटिव सेंस देते हैं, ठीक है। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब पॉजिटिव सेंस, जहाँ पे कोई भी निगेटिव बात न की जा रही हो, सीधे सीधे आपको दिखाया जा रहा हो कि हाँ यही चीज़ है, ठीक है। और निगेटिव सेंटेंस जिसमें नॉट या फिर ऐसा सेंस आए, नॉट वाला सेंस आए, निगेटिव सेंस आए, ठीक है, निगेटिव सेंस है। जैसे मैंने बोला आई एम ए डॉक्टर, आई एम अ डॉक्टर, मैं एक क्या हूं, डॉक्टर हूं, मैं एक डॉक्टर हूं। तो यहां पे देखिए अफर्म किया गया, मतलब अफर्मेशन मतलब पॉजिटिव सेंस आ रहा है कि हाँ मैं एक डॉक्टर हूं, ठीक है, तो हाँ मैं एक डॉक्टर हूं। तो ये क्या हुआ, ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस हुआ, ठीक है। और मान लीजिए मैं ये बोलता आई एम नॉट अ डॉक्टर, आई एम नॉट अ डॉक्टर, अब मैं यहां पे बता रहा हूं कि मैं एक डॉक्टर नहीं हूं, तो यहां से इस सेंटेंस से क्या है, ये सेंटेंस क्या कहलाएगा, निगेटिव सेंटेंस, ठीक है। मतलब मान लीजिए मैं बोलूं ही राइट्स अ लेटर, ठीक है। अब इस सेंटेंस में सीधे सीधे बात की गई है कि वह एक पत्र लिखता है, वह एक पत्र लिखता है, तो इसका मतलब ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, कोई निगेटिव सेंस नहीं आ रहा, ठीक है। लेकिन यहीं पर यह हो जाता है He does not write a letter. तो ये जो sentence है, ये negative sentence कहलाता है, ठीक है। He does not write a letter, ये क्या कहलाता है, negative sentence। Does not कहाँ से है, ये जब हम tense पढ़ेंगे present indefinite, तो वहाँ पर मैं आपको समझाऊंगा। तो ये कहलाता है negative sentence। तो any जो है ये negative sentence के साथ use होता है, और some जो है ये affirmative sentence के साथ use होता है। जैसे मैं sentence बोल रहा हूँ, देखिएगा सुनिएगा ध्यान से, ठीक है। तो इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा, some जो है affirmative sentence के साथ, any जो है negative sentence के साथ use किया जाता है। जैसे मैंने बोला I have some sugar, some या फिर एनी, ठीक है। आई हैव सम आई हैव सम एनी
शुगर। एक बार सम का मतलब होता है कुछ, ठीक है, और एनी का मतलब है कोई, ठीक है, एनी का मतलब कोई, ठीक है। मेरे पास देखिए, मैं यहाँ पे आपको कुछ समझाने के लिए एनी का मतलब हिंदी लिख दिया हूँ और सम का हिंदी लिख दिया हूँ, लेकिन आपको अल्टीमेटली जाना उसी पे है कि अफर्मेटिव सेंटेंस के साथ सम का यूज करते हैं और निगेटिव सेंटेंस के साथ एनी का यूज करते हैं। अब इस सेंटेंस को पढ़िए, आई हैव सम शुगर, मेरे पास कुछ चीनी है, या फिर मेरे पास कोई चीनी है, मेरे पास कोई चीनी है, या फिर मेरे पास कुछ चीनी है, ठीक है। मैं ये समझाने के लिए, फिल कराने के लिए आपको लिखा हूँ। तो यहाँ पे देखिए, आपको कुछ लग रहा होगा कि सम ज़्यादा सही बैठ रहा है, आई हैव सम शुगर, मेरे पास कुछ चीनी है, मेरे पास कोई चीनी नहीं का सेंस नहीं बैठ रहा है। लेकिन मैं यहीं पे अगर जो ये लिख दूँ, आई हैव नॉट एनी शुगर। अब यहाँ पे इस चीज़ को देखिए, इस चीज़ को पढ़ के देखिए, आई हैव नॉट एनी शुगर, मेरे पास कोई चीनी नहीं है, मतलब मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास चीनी के मामले में कुछ नहीं है, आई हैव नो शुगर, ठीक है, मतलब मेरे पास कोई चीनी नहीं है। तो यहाँ पे एनी सटीक बैठ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे सम सही बैठ रहा है और एनी गलत है। तो इसी तरह होता है कि जब हम लोग किसी अफर्मेटिव सेंटेंस में सम या एनी का यूज करना होता है तो हम लोग प्रिफर सन को करते हैं, सम को करते हैं। निगेटिव सेंटेंस में हमें सम या एनी में से कोई एक चूज करना होता है तो हम लोग एनी को प्रिफर करते हैं, सम को नहीं। और जो एग्जांपल मैंने लिखवा, जो क्वेश्चन पहले पिछले लेक्चर में लिखवाया था, वहाँ पे क्या था, देयर आर नॉट, तो नॉट के साथ सम नहीं आएगा, एनी आता, तो वहाँ पे एनी क्या हो गया, सम क्या हो गया, गलत हो गया। इसी वजह से सम क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये सब चीज़ें आपको अपने लैंग्वेज में नोट करनी है, ठीक है। अब एक एक चीज लिखवाऊंगा तो बहुत लंबा क्लास जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट, ठीक है। देयर वर ये भी आपके पेपर का आया हुआ क्वेश्चन है। देयर वर ओनली टू सोल्जर्स, देयर वर ओनली टू सोल्जर्स, बट ईच each and every soldier was equal to five. फाइव पुलिसमैन, ठीक है। ऑप्शन ए ये था, बी यहाँ सोल्जर से शुरू होता है, सी यहाँ से शुरू होता है और डी ये था। बताना था आपको कि किस पार्ट में गलती है, ठीक है, आपको यही बताना था। आप याद कीजिए, एडजेक्टिव का जब मैं क्लास ख़त्म किया था, जहाँ पे मैंने प्रैक्टिस शुरू किया था, उसके एक लेक्चर पीछे जाइए, तो वहाँ पे आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा, वो चीज़ ये था कि जब कभी भी हम लोग ईच और एवरी का रिलेशन हम लोगों ने पढ़ा था कि ईच और एवरी का यूज कैसे होता है। ईच का यूज हम लोग मात्र दो या उससे अधिक के लिए कर सकते हैं, ईच का यूज दो या दो से अधिक व्यक्तियों या चीज़ों के लिए, थिंग के लिए किया जा सकता है, लेकिन एवरी का यूज हमेशा दो से अधिक के लिए किया जा सकता है। एवरी का यूज दो लोग के लिए नहीं, दो से अधिक के लिए, लेकिन ईच का दो से अधिक के लिए भी और दो के लिए भी यूज किया जाता है ईच का प्रयोग। यहाँ पे सेंटेंस पढ़िए, यहाँ पे क्या लिखा, देयर वर ओनली टू सोल्जर्स, दो ही सोल्जर है, दो ही सैनिक हैं, बट अब इन्हीं दो सोल्जर के लिए यहां पे यूज किया गया है ईच एंड एवरी सोल्जर, प्रत्येक सैनिक। तो यहां पे प्रत्येक का जब डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का यूज किया गया, प्रत्येक सैनिक, तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का यूज किया गया, तो ईच या एवरी में से कोई एक यूज होगा, ठीक है। अब यहां पे दोनों यूज किया है तो ये गलत हो गया, क्योंकि ईच या एवरी में से कौन सा यूज होगा, ईच, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बस दो लोगों की बात की गई है और ईच ही एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है जो दो या दो से अधिक दोनों के लिए यूज होता है, तो यहाँ पे ईच आना चाहिए। तो किस पार्ट में गलती है, बी पार्ट में गलती है, ठीक है।
ईच एंड एवरी एक वर्ड होता है, एक डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव ईच एंड एवरी भी होता है। बोलचाल की भाषा में इसको नहीं यूज करते हैं ईच एंड एवरी मैन, ठीक है, मतलब कि हर एक आदमी, एक एक आदमी आ जाना चाहिए, नहीं कहते हैं लोग मतलब इम्फेसाइज करने के लिए नहीं बोलते हैं, एक एक आदमी को घिस चुन चुन के मारूंगा, कहते हैं ना गुंडा कहता है एक एक आदमी को चुन चुन के मारूंगा, एक एक गुंडे को चुन चुन के मारूंगा, तो वहाँ पे जो एक एक नहीं मतलब इम्फेसाइज करते एक एक को चुन के मारूंगा, तो उसी चीज़ के लिए इंग्लिश में बनाया गया ईच एंड एवरी सोल्जर्स, ठीक है। तो ईच एंड एवरी भी यूज होता है दो से अधिक के लिए, बस दो के लिए बस ईच ही एक बनाया गया, तो यहाँ पे कौन सा गलत हो गया ईच एंड एवरी, और उसकी जगह क्या आएगा ईच, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट नहीं अब इसको बस यही रखते हैं, ठीक है, नेक्स्ट जो है वो अगले लेक्चर में देखेंगे, ठीक है, क्योंकि लेक्चर ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो आप लोग भी पढ़ने में थोड़ा कम मन लगाओगे, तो आज का लेक्चर बस यही रखते हैं, आगे का जो लेक्चर है वहाँ से फिर हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस ही, और उसके बाद एडवर्ब, अब आएंगे एडवर्ब पे, ठीक है। और आप लोगों को क्या करना है, वही वीडियो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर कीजिए, ठीक है, और आपको कुछ नहीं करना, थैंक यू सो मच, थैंक यू।